मानसून के पहले नगर निगम सभी नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है, जिससे बरसात के दौरान जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो सके। जिसके तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह व उप नगर आयुक्त संजय शुक्ल ने जून 4 के राजेंद्र नगर पश्चिमी स्थित जश्न मैरिज हाउस के निकट बड़े नाले की सफाई का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा कि नालों की तल्ली झाड़ सफाई कराई गई है, जिससे बरसात के दौरान जल निकासी की कोई दिक्कत न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नालों की सफाई भी जो प्लान बनाया गया था कि 15 जून तक नाले सारे साफ कर लिए जाएं, उस अनुसार नालों की सफाई भी चल रही है। और जून 4 में हमारे 4 बड़े नाले हैं, उन चारों नालों की लगभग सफाई हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अभी जहां हम लोग खड़े हैं, यहां एक बड़ा नाला है जो जाके नदी की तरफ जाता है, इसकी सफाई हम लोगों ने मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर ली थी। तो नगर आयुक्त साहब ने भी आके अभी इसका स्थलीय निरीक्षण भी किया है और उन्होंने जो बताया है सुधार के लिए, वो भी और कोशिश की जाएगी कि उसको भी कंप्लीट करा लिया जाए, कि जब हम एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे नालों को तो उसके बाद दोबारा फिर से जो है करा देंगे। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ़ सुथरा है नाला। तो मानसून के दृष्टिगत एक तो नालों की सफाई, दूसरा जो है जहाँ जहाँ पंप लगने हैं वहाँ भी तैयारी चल रही है और जल्दी ही उसकी भी कंप्लीट करा ली जाएगी। जैसा कि आपने समाचार पत्र में आज पढ़ा है कि 1 जून के करीब जो है मानसून आ जाएगा और इस बार हैवी रेन्स की जो है संभावना जताई गई है, और इसको ध्यान में रखते हैं अभी से लगभग 15 दिन पहले ही हम लोगों ने एक पूरा वाटर लॉगिंग, नालों की सफाई आदि को लेकर बैठक कर चुके हैं और नगर निगम की पूरी टीम को सेंसिटाइज कर दिया गया है। और उसी के तहत नगर निगम में जो हमारे पास 11 भड़े वाले नाले हैं, 123 मझोले नाले हैं और 96 छोटे नाले हैं, कुल मिलाकर 230 नाले हैं जिनके ऊपर हमको पूरी तरह से फोकस हम लोगों ने केंद्रित कर रखा है। इसके साथ ही साथ आज उसी की कड़ी में हम लोग राजेंद्र नगर में जो बना हुआ बड़ा वाला नाला है उसका जाकर निरीक्षण किया, जिसका कि अभी कुछ समय पहले सफाई कराई गई थी। सफाई की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी पाई गई, नाले को बहुत कायदे से सफाई कराया गया, लेकिन ये कहा गया कि एक बार इसकी और सफाई करा दें जो जिससे कि इसकी तली तक एकदम जो है चमक के दिखने लगी, जो भी सिल्ट दिनों में इकट्ठी हो गई वो बाहर निकल जाए। कहने का आशा ये कि सभी जोनल ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया गया है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को, कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी जितनी मशीनें लगाकर, जितने हमारे मैन पावर हैं सबको लगाकर युद्ध स्तर पर पूरे जितने भी नाले हैं सफाई उसको करा दें। और आज मौके पर सभी जोनल जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको कड़े निर्देश, कड़े आदेश जारी किए गए हैं कि अगर किसी के भी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग इस बार होती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ़ बहुत ही कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।